हेलो साथियों, तो भाई साहब देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे जो बीएससी का आपको बोला गया था कि जो बीएससी का मॉडल पेपर हम देने वाले हैं। तो जो मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर का मतलब ये हो गया जैसे आपके जो एग्जाम होने वाली है, एग्जाम का डेट आपको पता होगा, एग्जाम का डेट डिसाइड हो गया, लेकिन अभी दो तीन दिन पहले एक दूसरा टाइम टेबल आया है जिसमें अभी जो मैं मॉडल पेपर दे रहा हूं, ये मॉडल पेपर आपका है बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर। तो बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर, तो थोड़ा सा बेसिक आइडिया आप इस चीज को रखेंगे कि जो बीएससी फर्स्ट ईयर का जो सेमेस्टर सिस्टम है, तो बीएससी फर्स्ट ईयर का सेमेस्टर सिस्टम में सेमेस्टर वन के बाद सेमेस्टर टू का एग्जाम देना है। तो सेमेस्टर टू का जो एग्जाम आपको देना है, उस सेमेस्टर टू के एग्जाम में एक चीज का विशेष ध्यान देंगे कि जो बॉटनी का पेपर है या जूलॉजी का पेपर है, तो जो शेड्यूल्स है, पहले क्या होता था कि पेपर 3 घंटे का होता था, पिछले एग्जाम 2 घंटे का हुआ है, इस बार भी आप लोगों का 2 घंटे का हो रहा है। इसके पहले जो सिस्टम चलता था आप लोगों से पहले, ये 3 घंटे का होता था, और 3 घंटा का होता था तो उसका कुछ नंबरिंग अलग होता था, जो मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि जब 3 घंटे का पेपर होता है तो 3 घंटे के पेपर में जो सेक्शन ए होता है, पेपर का सेक्शन ए होता है 10 क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन वन में 10 क्वेश्चन, एक एक नंबर के, दो दो नंबर के, टोटल संख्या होती थी 20, ठीक है। और उसके बाद सेक्शन बी में ठीक है ना, तो सेक्शन बी में आपको क्वेश्चन मिलता था 8, 9 क्वेश्चन मिलता था, जिसमें से आपको करना होता था 5, ठीक है ना। और उसके बाद वो होता था क्वेश्चन आपका लगभग 7 नंबर का होता था, तो 7 नंबर का होता था 35 नंबर, और 35 और 20 हो गए 55, ठीक है। सेक्शन सी होता है, मिलते हैं 5 क्वेश्चन मिलते थे, अब तो 4 क्वेश्चन हो रहा है, 5 क्वेश्चन मिलते थे, और उसमें 1 क्वेश्चन आपका 2 क्वेश्चन करना होता था, और 10 नंबर का होता था, ये 20 नंबर हो गया। तो 20, 20, 40, 30, 70, 5, 75 नंबर का होता था। और ये कब होता था, जब हम लोगों का पेपर 3 घंटे का होता था तो ऐसा होता था, ठीक है। अब पेपर हो गया 2 घंटे का, तो कुछ शेड्यूल चेंज हुआ है, तो 2 घंटे के पेपर में कुछ शेड्यूल चेंज हुआ है, वो मैं बताना चाहता हूं आपको। पहले इसको समझ लीजिएगा बेसिकली, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको ये पता नहीं होता है कि जो पेपर दे रहे हैं वो कितने नंबर का है, तो इतना ध्यान दीजिएगा कि जो आप पेपर दे रहे हैं बॉटनी जूलॉजी में, जो भी सब्जेक्ट का है, बॉटनी जूलॉजी या केमिस्ट्री में, इतना ध्यान दीजिएगा कि मेन जो पेपर आप देते हैं वो होता है 75 नंबर का, सेशनल प्रैक्टिकल होता है 25 नंबर का, मिड टर्म एग्जाम होता है 25 नंबर का, और उसके बाद 75 नंबर का एक मेन प्रैक्टिकल होता है, तो टोटल कितना हो गया, ठीक है ना, 200 नंबर, समझ पा रहे। तो बॉटनी आपकी कितनी हो गई, 200, इसी तरह से जूलॉजी कितने का, 200 का, इसी तरह से केमिस्ट्री कितने का, 200 का, समझ पा रहे। तो जब से सेमेस्टर सिस्टम लागू हुआ है तब से एक कंडीशन उसमें बढ़ी है कि जैसे बीटीसी में बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल होता है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल का नंबर मिलता है, थ्योरी कम होती है, जस्ट लाइक एकदम बिल्कुल सेम टू सेम ये बीएससी के साथ हो रहा है इस टाइम कि बीएससी में प्रैक्टिकल के नंबर ज्यादा है। जैसे कोई सब्जेक्ट यानी बॉटनी है, तो बॉटनी हो गई 200 नंबर की, तो 200 नंबर में से 125 नंबर आपका प्रैक्टिकल टाइप होता है, ठीक है ना, लगभग इसमें आपको मैक्सिमम मिल जाते हैं, हर कॉलेज से मिल जाता है मैक्सिमम, और जो आपको मेन पूर्वांचल विश्वविद्यालय की जो परीक्षा होती है, ठीक है ना, तो वो परीक्षा आपको देनी होती है 75 नंबर की। तो जो मैं पेपर, मॉडल पेपर आपके सामने रखा हूं, मॉडल पेपर देने का मेरा एक टारगेट है कि जो मॉडल पेपर आपको दिया जा रहा, मॉडल पेपर देने के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि जो आपके सिलेबस 6 महीने का होता है, जो पेपर आपका 6 महीने का होता है, मतलब एक सेमेस्टर 6 महीने का निर्धारित है सरकार के द्वारा, और
जो यूजीसी की गाइडलाइंस है उसके द्वारा और एनईपी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ठीक है ना। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है एनईपी, एनईपी के द्वारा ये लागू किया गया है कि हर सेमेस्टर 6-6 महीने का कम से कम होगा। अब आप खुद पढ़ रहे हैं बीएससी में, तो एक तर्क बताइएगा आप मुझे कि आप खुद बीएससी कर रहे हैं, आप एक देखिएगा कि अभी आपका फर्स्ट पेपर का एग्जाम या फर्स्ट ईयर का एग्जाम, ठीक है ना, दिसंबर में कंप्लीट हुआ है, तो फर्स्ट ईयर का एग्जाम आपका, फर्स्ट सेमेस्टर का, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम आपका दिसंबर में कंप्लीट हुआ है, ठीक है। और मूलतः आपको अगले सेमेस्टर का सिलेबस पढ़ने के लिए कम से कम कितने मंथ मिलने चाहिए? 6 महीना मिलना चाहिए। ध्यान से समझिएगा, दिसंबर में पेपर खत्म हुआ है, आपको अगले 6 महीना चाहिए पढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो अगर आप जनवरी ले लीजिए, जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया और जून हो गया, नियम से आपका जो टोटल सिलेबस दिया गया एनईपी के द्वारा, जो आपकी एक पेपर में यानी जूलॉजी में 8 यूनिट है, बॉटनी में 8 यूनिट है और केमिस्ट्री में 8 यूनिट है, टोटल मिला के, ठीक है ना, 24 यूनिट है, समझ पा रहे। अब इस 24 यूनिट्स को पढ़ने के लिए कम से कम आपको कितने महीने चाहिए? 6 महीने चाहिए। चलिए मैं मानता हूं कि ठीक है, जून का महीना अगर मान लीजिए कि अगर एग्जाम आप 15 जून से कराते हैं या फिर जून में कराते हैं मान लीजिए, फिर भी आपको कितना मिलना चाहिए? 5 महीना मिलना चाहिए क्लास करने के लिए, ठीक ना। कम से कम 150 दिन में 115 120 क्लास चल जाए छुट्टियां छोड़कर। चल क्या रहा है, हर यूनिवर्सिटी का सिस्टम क्या है, होना ऐसे चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है आपके साथ, आप इसको जो ध्यान नहीं दे रहे। आपने देखा भी दिसंबर में पेपर दिए, फिर आप अप्रैल में पेपर दे रहे हैं, यानी सिस्टम का चल रहा है सिर्फ आपको पेपर देना है, पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी का जो सिस्टम चल रहा है वो आपको ये नहीं देख रहा कि आपको पढ़ना है और आपका क्लास चलना चाहिए, इससे उससे मतलब नहीं है। उससे क्या मतलब है, बोर्ड फॉर्म जो परीक्षा फॉर्म वो भरवाया, आपसे पैसे ले लिए और आपका परीक्षा करवा देंगे। यूनिवर्सिटी को, यूनिवर्सिटी ने जो सिलेबस बनाया वो 6 महीने का सिलेबस बनाया और 6 महीने के सिलेबस को वो कह रहे हैं कि 3 महीने में खत्म कर दीजिए और 3 महीने में छुट्टियां भी रहती हैं। आप बताइए कौन पूरा कर लेगा? तब तो ये कोरम पूरा करने के बराबर होता है कि एक चैप्टर खोलो एक दिन में उसे पढ़ दो खत्म हो गया, दूसरा चैप्टर एक दिन खोलो पढ़ दो खत्म हो गया। इसका मतलब है कि सिर्फ आप सिलेबस में टूर करिए, घूमिए, सिलेबस पढ़ना नहीं है, टूर पे जाना है सिलेबस में। बस बच्चे को यह पता चल जाए कि हमारे चैप्टर में, हमारे बुक में, हमारे सिलेबस में ये चैप्टर भी था या ये चैप्टर है, पढ़ना नहीं है, बस टूर पे जाना है सिलेबस में। ये यूनिवर्सिटी का खेल चल रहा है। यूनिवर्सिटी के लोग इतने पढ़े लिखे समझदार हैं, उन लोगों को इस चीज को जानना चाहिए कि कम से कम जो सिलेबस 6 महीने का है तो उसको 6 महीने में कंप्लीट कराएं, ठीक है 5 महीने में कंप्लीट कराइए, 1 महीना बचे अगर अंतिम महीना उसे परीक्षा करवा दीजिए। लेकिन हो क्या रहा, देख लीजिए आपने पढ़ा क्या है। जनवरी ठंडी का महीना था, जनवरी में छुट्टियां भी थी, जनवरी फरवरी और उसके बाद मार्च, ठीक है। अप्रैल में आपका पेपर हो रहा है, अप्रैल में 15 अप्रैल से आपके पेपर प्रस्तावित है, जबकि शुरुआत में जब फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर आपने दे लिया था तो फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर देने के बाद यह हुआ था कि चलिए कुलपति जी का एक आदेश आया था, उसमें परीक्षा नियंत्रक विभाग से एक नोटिस आई थी जिसमें निर्धारित हो गया था कि अगले सेमेस्टर की परीक्षाएं 15 मई से प्रस्तावित हैं। अब जो टीचर है, जो बच्चे हैं, उस माइंड सेटअप से पढ़ रहे थे कि 15 मई से पेपर होने वाला है, लेकिन चुनाव को देखते हुए 1 महीना पहले कर दिया गया पेपर। अब चुनाव के चलते बच्चों का भविष्य खतरे में है, ये किसी को नहीं दिख रहा है, सबको दिख रहा है कि कोरम पूरा किया जाए, सिलेबस पूरा किया जाए और अपना काम पूरा किया जाए, बच्चे पढ़े जाए भाड़ में जाए उससे कोई मतलब नहीं है। ये सिस्टम है, आप इसके थ्रू काम कर रहे हैं। लेकिन जिनके लिए एग्जाम कराया जाता है, जिनके लिए सिलेबस बनाया जाता है, जिनके लिए स्कूल खोला गया, उनको पढ़ाना नहीं है, बस उनसे परीक्षा करवानी है, बस उनको बैठाइए, बार बार परीक्षा दिलवाइए। परीक्षा प्रस्तावित थी 15 मई से, हो गई 15 अप्रैल, उसमें भी एक टाइम टेबल में संशोधन हुआ है अभी हाल में ही,
तो अब आप ये समझिए कि आप अगर किसी टीचर को ये थोपेंगे कि ये टीचर हमें 3 महीने में नहीं पढ़ा पाया या 2 महीने में नहीं पढ़ा पाया, तो कोई टीचर कोई सुपर कंप्यूटर नहीं है, वो क्या करेगा सुपर कंप्यूटर, एक एक चैप्टर को एक दिन पढ़ देगा कि आपके चैप्टर में एंजियोस्पर्म है, आपके चैप्टर में जिम्नोस्पर्म है, आपके चैप्टर में प्रोटोजोवा है, युगलिना है, पैरामीशियम है, नाम सुना दिया, उसके बाद पढ़ लिए, क्योंकि सरकार तो चाहती है, यूनिवर्सिटी चाहती है कि आप नाम सुने रहे बस, समझ पा रहे। तो भाई साहब आपके हित के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं कि अगर आपका कम समय मिला है, क्योंकि ये सब चीजें देखिए टेक्निकल हैं और यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट के अधीन है, अब इसमें किस तरह का फैसला लिया जाता है वो सरकार जाने, लेकिन अब जो फैसला लिया गया उसके अनुसार जो सिलेबस बन रहे हैं उसमें मैं आपको एक सैंपल पेपर दे रहा हूं। सैंपल पेपर में ये है कि जो आपका भी एक चीज और समझिएगा कि जो आपका भी पेपर का टाइम टेबल जो निर्धारित है वो टाइम टेबल है, ठीक है ना, जूलॉजी बॉटनी और केमिस्ट्री, ठीक है, जूलॉजी बॉटनी और केमिस्ट्री का जो पेपर है बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर, वो बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर निर्धारित है भैया, ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि 21 तारीख को 21 अप्रैल 2024 को आपका होगा जूलॉजी का पेपर, ठीक है ना। अब एक चीज भी समझिएगा, सरकार की नीति जो पेपर कई दशकों से 3-3 घंटे का होता था वो पेपर अब पिछली परीक्षा में 2 घंटे का हुआ, इस पेपर परीक्षा में भी 2 घंटे का हुआ है। 2 घंटे का मतलब है कि सिर्फ नाम की परीक्षा कराई जा रही है, सेक्शन बी में 3 क्वेश्चन करना है, सेक्शन सी में 1 क्वेश्चन करना है, जबकि पहले होता था सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन करने होते थे, सेक्शन सी में 2 क्वेश्चन करने होते थे, 2 क्वेश्चन जो होता है सेक्शन सी का वो 500 वर्ड का होता था, सेक्शन बी में 200 वर्ड के होते थे तो 1000 वर्ड यहां पे हो जाता था, 1000 वर्ड यहां पे हो जाता था, 2000 वर्ड ऐसे हो जाते थे, और सेक्शन ए में 1 क्वेश्चन 50 वर्ड में लिखना होता था और 10 क्वेश्चन होते थे तो 500 वर्ड इसमें हो जाता था, तो 3 घंटा में हम लोग 2500 वर्ड लिखते थे, 3 घंटे में हम लोग 2500 वर्ड लिखते थे। अब ये सिस्टम कम हो गया भाई, अब कम हो गया कि 500 वर्ड हो गए, नंबर बढ़ गया है, पहले इतना ही होता था तो 1.5 नंबर का होता था, फिर यही हुआ तो 2 नंबर का हुआ, ठीक है ना, और यही फिर हुआ अब तो 3 नंबर का चल रहा है। दूसरी बात कि जो अब लिखना होता है वो 600 वर्ड 500 वर्ड 500 वर्ड, ठीक है ना, 1600 वर्ड आपको लिखना है 2 घंटे में, समझ पा रहे, 1600 वर्ड आपको लिखने। अब ये समझ लीजिए कि ये सिस्टम चल रहा है आपका, मतलब आपको वर्क नहीं करना है, बहुत जाइए 8 बजे जाइए 10 बजे परीक्षा देकर निकल जाइए 2 घंटे में, आपका राइटिंग टेस्ट नहीं हो रहा है, अभी तो आप मूड बनाया 3 घंटा लिखने का, तब तक काम खत्म हो गया 2 घंटे में, ये सिस्टम चल रहा है भाई। दूसरी बात, जो पेपर आपका है वो 21 तारीख को आपका जूलॉजी का पेपर है, याद रखिएगा इसको, ठीक है ना, और ये पेपर है 8 बजे से 10 बजे तक मॉर्निंग में, 2 घंटे का पेपर है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा पेपर है आपका बॉटनी का, वो बॉटनी का पेपर है आपका 22 तारीख को, देखिएगा ध्यान से, 21 तारीख के बाद 22 तारीख को, 22/4/2024 इस दिन आपके बॉटनी का पेपर है, ठीक है ना। और एक पेपर आपका है 29 तारीख को, और 29 तारीख को आपका पेपर है, 29 तारीख को है आपका, 29/4/2024 को आपका पेपर है केमिस्ट्री का, ठीक है ना। ये सभी पेपर 2-2 घंटे के होंगे और 8 बजे से 10 बजे तक के पेपर होगा, अपने कॉलेज पे सेंटर पे जहां पर आपका सेंटर या कॉलेज होगा आप वहां से अपना समय से पहले एडमिट कार्ड ले लीजिए और अपना एग्जाम देंगे आप 21/4, ठीक है ना, 24 को जूलॉजी 8 बजे से 10 बजे सुबह में, 22 को 8 से 10 सुबह में, और 29 को 8 से 10 सुबह में, समझ पा रहे। इस सेकेंड सेमेस्टर का शेड्यूल मैं बता रहा हूं आपको, इस सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम का पेपर है, क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम में थोड़ा बहुत उलझन होती है, अगर नहीं समझ पाते हैं कि कैसे कैसे टाइम टेबल चल रहा है तो आप इस चीज को समझ पाए। अब इसके बाद देखेंगे सैंपल पेपर, सैंपल पेपर देने का उद्देश्य बस यही है कि अगर आप पूरा लंबा सिलेबस नहीं पढ़ पाते हैं और सिलेबस में दिक्कत होती है तो आप जो प्रश्न हमारे द्वारा दिए जा रहे हैं आपसे उम्मीद और रेस्पेक्ट की जाती है कि आप इसको बहुत अच्छे से बस इत्मीनान से आप इसको नोट कर लीजिएगा, और नोट करने के बाद
इसको अच्छे से ठीक ना, अपनी बुक से, अपने शॉर्ट सीरीज से, चाहे जिससे भी आप, जो भी आपका माध्यम हो पढ़ने का, आप उससे अच्छे से मिला लीजिए, अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए। मैं आपको एक पेपर का जैसे जुलाजी हो गया तो इसके दो सैंपल पेपर दूंगा, बॉटनी के दो सैंपल पेपर दूंगा। तो जुलाजी के दो सैंपल पेपर, बॉटनी के दो सैंपल पेपर, और आपसे एक्सपेक्ट की जाती है कि आप दोनों सैंपल पेपर, क्योंकि एक पेपर आज दिया जा रहा है, एक पेपर इससे, इस पेपर के पब्लिश इसमें ओपन होने से 3 दिन बाद दूसरा पेपर आपको दिया जाएगा। ध्यान ही रखिएगा कि जो पेपर आपको दिया जा रहा है आप इसको अच्छे से बस तैयार करिए। 101% गारंटी है कि आपको परीक्षा में किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी, और उम्मीद पूरी पूरी रहेगी कि जो आपके 75 नंबर का जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो भली भांति संपूर्ण हो जाएगा। उसमें आपको घबराना ही नहीं है, ना कोई दिक्कत होगी, विश्वास करिएगा, ट्राई करके एक बार देख लीजिएगा। अगर दिक्कत होती है या सिलेबस हम सही कंप्लीट नहीं कर पाते तो उसके बाद फिर आप ये क्लेम कर सकते हैं कि नहीं आपका जो एस्पेक्ट है या सैंपल पेपर है वो सही है, ठीक है। तो देखिएगा जो बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर है, जुलाजी का सैंपल पेपर 2024, ठीक है, जो मेन एग्जाम का है, उसमें मैंने आपको पहले भी बताया कि सेक्शन ए है जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 होगा। सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 होता है, इसमें 10 क्वेश्चन होते हैं एक एक नंबर के, जो सेक्शन क्वेश्चन नंबर 1 के अधीन होते हैं, ठीक है ना। इसमें है मेटाबॉलिज्म, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला है फैटी एसिड, दूसरा मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा, अगर इसमें थोड़ा धुंधला भी देखिएगा तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, मैं बोल रहा हूं तो उसे सुनकर नोट कर लीजिएगा। पहला हो गया फैटी एसिड, दूसरा हो गया मेटाबॉलिज्म, तीसरा हो गया वुमेन्स कैप्सूल, ठीक है ना, और चौथा हो गया प्लेसेंटा, पांचवा हो गया न्यूरॉन्स, छठवां हो गया केमिकल डाइजेशन, सिक्स नंबर है ग्लाइकोलिसिस, और सेवेंथ नंबर है ईटीएस। ईटीएस का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम, ठीक है। उसके बाद नाइन्थ नंबर है हिपेरिन, और टेंथ नंबर है लैक्टिक एसिड, हिपेरिन और लैक्टिक एसिड, ठीक है ना। तो ये हो गया 10 क्वेश्चन, ठीक है ना। एक क्वेश्चन यहाँ पे 3 नंबर का है, और इसको लिखना होता है आपको 50 वर्ड में। ध्यान दीजिएगा कि आपको सेक्शन ए के फैटी एसिड, मेटाबॉलिज्म, वोमेन कैप्सूल, प्लेसेंटा, न्यूरॉन्स, केमिकल डाइजेशन, ग्लाइकोलिसिस, ईटीएस, हिपेरिन और लैक्टिक एसिड, इनको आपको 50 वर्ड में लिखना है। और 50 वर्ड में लिखने का आप इसको पहले अच्छे से तैयार करिए, एग्जाम से कुछ दिन, 1-2 दिन या 3 दिन पहले हम आपको कॉपी राइटिंग यानी आंसर राइटिंग का पूरा शेड्यूल बताऊंगा कि किस तरह से कितने पेज में आप किस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे भैया सेक्शन बी, सेक्शन बी में आपका क्वेश्चन होगा 9, ठीक है ना, 8 क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। 8 क्वेश्चन में से आपको 3 करना होता है। देखिए जो आप कहते हैं कि हमें पेपर बहुत टफ लगा या कठिन लगा, पेपर इतना आसान आता है बीए का, चाहे बीएससी बीकॉम का, इतना पेपर आसान आता है क्योंकि आपके दिए गए 8 क्वेश्चन, 8 में से आपको करना है मात्र 3 क्वेश्चन, और 3 क्वेश्चन का मतलब है कि अगर आप 25% भी सिलेबस पढ़े होंगे अपने बीएससी का, अगर 25% आपने सिलेबस पढ़ा है तो भी आप 3 क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं। ये 3 क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएगा। 25-30% क्वेश्चन सिलेबस का मतलब होता है कि मान लीजिए कि अगर आपने 3 यूनिट अगर कायदे से पढ़ी है 8 यूनिट में से, तो भी आपका सिलेबस अच्छे से पूरा हो जाएगा, ठीक है ना, और ये भी आप आराम से कंप्लीट कर लेंगे। तो इसमें देखिएगा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो क्या है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लीवर। इस चीज को याद रखिएगा कि लीवर का स्ट्रक्चर और फंक्शन, ठीक है ना, आपको लिखना है। उसके बाद है डायग्राम बनाना है, और उसके बाद फंक्शन उसका लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज यूरिन, ठीक है ना, यूरिन का मतलब, व्हाट इज यूरिन का मतलब मूत्र क्या है, एक्सप्लेन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है ना, वो किस तरह से परानिस्यंदन उसका होता, किस तरह से वो फिल्टर होता है किडनी में, उसके बारे में आपको आंसर देना है कि यूरिन क्या होता है और कैसे वो फिल्टर होता है, उसके बारे में एक्सप्लेन करना। तीसरा जो इसमें सेक्शन बी का तीसरा और ओवरऑल चौथा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द फिजिकल एंड केमिकल चेंज ड्यूरिंग मसल्स कंस्ट्रक्शन। जब हम लोग कोई काम करते हैं तो हम लोगों की मसल्स में जो संकुचन होता है, कंस्ट्रक्शन होता है, उसमें फिजिकल और केमिकल चेंजेस कौन कौन से आते हैं, ये आपको यूनिट जो आपका सिलेबस है उसके लास्ट में मिलेगा, यूनिट में लगभग 7 या 8 यूनिट आपकी है, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ लिपिड्स, जो वसा है उसका बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस आपको लिखना है। इसके बाद 6 नंबर है, व्हाट इज क्लोरीन शिफ्ट, ठीक है ना, व्हाट इज क्लोरीन शिफ्ट, सॉरी क्लोराइड शिफ्ट,
क्लोराइड शिफ्ट क्या होता है इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, बहुत अच्छे से किताबों में डिस्क्राइब किया हुआ है। उसके बाद है आपका सेवेंथ नंबर है क्वेश्चन का, डिस्क्राइब एलएस ऑफ टिप, ये डाइजेशन में आपको मिलेगा, जिसमें ये आपको ब्लड सर्कुलेशन में मिलेगा, ठीक है ना, ब्लड सर्कुलेशन वाले चैप्टर में आपको मिलेगा व्हाट इज क्लोराइड शिफ्ट। और उसके बाद जो अगला चैप्टर अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब एलएस ऑफ टिप, दांत का एलएस जो आपका मिलेगा डाइजेशन वाले चैप्टर में। उसके बाद आपका है डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है ना, नर्वस सिस्टम यानी न्यूरॉन्स का जो टोटल सिस्टम काम करता है तंत्रिका तंत्र का, उसको डिस्क्राइब करना, ठीक है ना। नवा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द टीसीएस साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल को डिस्क्राइब करना है, जो आपका मेटाबोलिज्म में मिलेगा, मेटाबोलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे जो सेक्शन सी है, पहले क्या होता था तीन घंटे के पेपर में सेक्शन सी में जो पांच क्वेश्चन होते थे, पांच उसमें से आपको करना होता था दो, ठीक है ना। अब कितना है, चार क्वेश्चन है जिसमें से आपको एक करना है, आप किसी में से एक क्वेश्चन चुन सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको आठ क्वेश्चन सेक्शन सी में डी में दिया हुआ है, आठ में से मात्र आपको तीन करना, मतलब पांच छोड़ देने और चुन के आप तीन ठो कर लेंगे आराम से, ठीक है। उसी तरह से जो सेक्शन सी है इसमें चार क्वेश्चन है, ठीक है ना, चार क्वेश्चन में से सिर्फ आपको एक ठो करना है, कोई एक चुन लीजिए, जिसमें पहला क्या है व्हाट आर द इंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है ना, इंडोक्राइन ग्लैंड्स मतलब अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है, हार्मोन्स वाली ग्रंथि, आइडेंटिफाई चीफ इंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है ना, आप मुख्य यानी मूल इंडोक्राइन ग्लैंड्स को पहचानिए, ठीक है ना, द हार्मोन्स प्रोड्यूस बाय देम, ठीक है ना, जो उनसे हार्मोन्स रिलीज होता है उनके बारे में, ठीक है ना, उसका फंक्शन, फंक्शन ऑफ द हार्मोन्स, ठीक है ना, एंड डिजीज प्रोड्यूस ड्यू टू इम्बैलेंस। यदि आपके शरीर में इंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती है, अंतःस्रावी ग्रंथि, उसका फंक्शन कैसा होता है और मूल जो शरीर में ग्रंथियां हैं उसके कार्य कैसे होते हैं, उससे निकलने वाला हार्मोन्स कैसा है और उसके हार्मोन्स के इम्बैलेंस से असंतुलन से आपके शरीर में कौन सी बीमारी होती है, इसको डिस्क्राइब करना जो इंडोक्राइनोलॉजी वाले में आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट, ये आपको मिलेगा सर्कुलेशन वाले चैप्टर में, जिसमें मनुष्य के, ठीक है ना, हार्ट का स्ट्रक्चर और फंक्शन कंप्लीट करना है। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12 डिस्क्राइब द फिजियोलॉजी ऑफ नर्व कंडक्शन, मतलब इसका मतलब ये होता है कि जैसे एक न्यूरॉन्स दूसरा न्यूरॉन्स, ठीक है ना, एक न्यूरॉन्स ये हो गया, 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 अब इनका आपस में कंडक्शन कैसे होता है, मतलब सूचनाओं को ट्रांसफर कैसे करते हैं, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, कैसे मैसेज को ट्रांसफर करते हैं, उसके बारे में आपको लिखना है, उस न्यूरॉन्स वाले चैप्टर में मिलेगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी का क्वेश्चन लास्ट है 13वां नंबर, डिस्क्राइब द अल्फा ऑक्सीडेशन इन फैट, तो फैट के ऑक्सीडेशन में यानी वसा के ऑक्सीडेशन में दो ऑक्सीडेशन है, एक है अल्फा ऑक्सीडेशन और एक है बीटा ऑक्सीडेशन, ठीक है ना, इन दोनों को अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा, या तो अल्फा पूछ सकता है या तो बीटा पूछ सकता है, समझ पा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये आपको पेपर समझ में आया होगा, अच्छे से वीडियो रोक करके इसको आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा इसको और इसको तैयार कर लीजिएगा। इसके पेपर के दो तीन दिन बाद हम दूसरा सैंपल पेपर देंगे, सैंपल पेपर 1 है, और आपसे उम्मीद करेंगे कि आप बहुत बड़ा सिलेबस पढ़ने के चक्कर में, कम समय है पढ़ने के चक्कर में पढ़िए, बस अब इस चक्कर में रहिएगा कि जैसे दो सैंपल पेपर आपको दिए जा रहे हैं, एक सैंपल पेपर पर अच्छे से तैयार कर लीजिए और दूसरा सैंपल पेपर फिर आपको दिया जाएगा उसे तैयार कर लीजिएगा, दोनों सैंपल पेपर अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा, 101% की गारंटी, अगर कोई दिक्कत होगी तो फिर बताइएगा। और एक बात कि इन क्वेश्चन में से ये जो क्वेश्चन आपको सेक्शन ए के और सेक्शन बी के और सेक्शन सी के दिए गए हैं, आप इस सैंपल पेपर को अच्छे से देख लीजिए, इस पेपर को, यदि आपको इस पेपर में किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट में लिख के बता दीजिएगा कि इस क्वेश्चन को डिस्क्राइब करते हो, ठीक है ना, अगर एक एक ना दो ये जो सेक्शन ए का क्वेश्चन है इसमें दिक्कत हो तो बता दीजिएगा, इसमें दिक्कत हो तो बताइए, चाहे इसमें कोई दिक्कत हो, किसी भी क्वेश्चन में कोई अगर दिक्कत हो या ना समझ में आए, अगर आप एक्सप्लेन करने के लिए बोलते हैं तो कमेंट में आप क्वेश्चन नंबर लिख करके भेज दीजिए, हम उम्मीद करते हैं कि उस प्रश्न को हम अच्छे से डिस्क्राइब कर देंगे, अच्छे से समझा देंगे आपको, ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं, समझ पा रहे, तो अगले सैंपल पेपर का इंतजार करिएगा, फिलहाल इसको बहुत अच्छे से तैयार करिए, गाइड मैगजीन जो भी आपके पास है उससे पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।